नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं किंतु अनुला। आपको कुछ ही देर पहले हमने एक बड़ी खबर ललितपुर से सुनाई थी कि जिसमें एक दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किस तरह से पुलिस जागी थी और किस तरह से उन्होंने उस वीडियो के दो युवकों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इस वक्त इसी खबर में एक और कड़ी सामने आई है कि पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया था उन्हें कुछ ही घंटों के बाद निजी मुचलके पे छोड़ भी दिया गया है। जी हाँ, तो चलिए खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललितपुर से हमारे संवाददाता शिब्बू राठौर। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पुलिस वालों की ये दिलदारी के बारे में। जी शिब्बू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह की जो पुलिस वालों ने दिलदारी दिखाई है और गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही कुछ घंटों के बाद जो जमानत दे दी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जैसा आपको बताया जाएगा ना, ये दमन प्रकार के लोगवाग थे। ये एक भाजस को लेके मारपीट ने 20 सड़क पे की है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। एक तो पुलिस को उसके एक दिन बाद जानकारी लगी है, पुलिस इसको दमंगई को आज पकड़ती भी है। तो अभी कुछ देर पहले मेरे पास सूचना आई थी कि उसको एक संख्या जमानत करके उनको छोड़ दिया गया। इससे हमें मालूम चलता है कि दमंगों का कितना बड़ा दिलजलसी इनकी है पुलिस वालों के साथ के कुछ ही घंटों में इनको छोड़ दिया गया है। पुलिस वालों का क्या कुछ बयान कुछ सामने आया है इस पर, इस गिरफ्तारी को लेकर और उसके बाद उनको छोड़ देना, इस पर कुछ पुलिस वालों की कोई बयानबाजी सामने आई है? जी जी, अभी मैंने कोतवाली प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर कोई मतलब केस ही नहीं बनता है, तो इसलिए नॉर्मल धारा 151 करके उनको छोड़ दिया गया। जी, कोई धारा ही नहीं बनती है इनके ऊपर, 151 नॉर्मल धारा कहलाती है, जिसमें मतलब सेम डे कुछ ही घंटों में जमानत मिल जाती है उनको, जमा वही बेल करा दी गई है इनकी। और इनके खिलाफ जो बाकी इनके खिलाफ जो धाराएं चल रही हैं और जो भी इनका बाकी का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई? उसके आधार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उससे इस चीज को देख के ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वाले की और उन लोगों की साथ गांठ हो, दिलदारी समझ में आ रही है इन लोगों की इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया शिब्बू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखा किस तरह से पुलिस वालों की दिलदारी सामने आई है कि दबंगों का वीडियो वायरल होता है एक दिन पहले, अगले दिन जागती है पुलिस, जाग के युवकों को गिरफ्तार तो करती है लेकिन अपनी कार्रवाई करते हुए उन्हें निजी मुचलके पे बड़े ही आसानी से छोड़ भी देती है और ये कहती हुई नजर आती है कि ये धारा नहीं थी, ये चीजें नहीं थी जहाँ लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए 24 घंटे और कई दिन तक पुलिस के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, फिर दबंगों को पकड़ा जाता है, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, उनकी बाकी की धाराएं भुला दी जाती हैं। और उस किस तरह की कार्रवाई की है, किस तरह से पुलिस ने इन दबंगों पर कार्रवाई की और क्या कुछ रहा, हमने आपको दिखाया। इसी के साथ ही हम देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।